मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीलू विजुअल ब्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मैं कर रही हूं श्रेष्ठ के सेकंड कोवैक्सीन वाले ब्लॉग की एडिटिंग, आज अपलोड करूंगी। और आज है 16 फेब, मॉर्निंग का टाइम है। श्रेष्ठ गया है फ्रेश होने, इससे पहले कि श्रेष्ठ आ जाए और मुझे देना पड़े उससे कंप्यूटर, या तो उसकी स्कूल क्लासेस होगी, शायद स्कूल की छुट्टी भी हो सकती है आज, या उसकी ट्यूशन क्लासेस होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज ये जो ब्लॉग बना रही हूं इसको आप देखेंगे फ्राइडे को, तो इससे पहले आपको ये ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, तो आप ये ब्लॉग जरूर देखेगा। दोस्तों आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ ये हरा भरा ऑमलेट। बहुत ही क्विक टाइम में बनेगा ये और बहुत ही हेल्दी ऑमलेट है। तो कभी आपको लगे छोटी सी भूख तो उसमें भी आप फटाफट क्विक ऑमलेट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये झटपट ऑमलेट हम बनाएंगे इस हैंडी चॉपर में। और एक अनियन को मैंने लिया है, कुछ इस तरीके से कट कर दिया है, बड़े टुकड़ों में भी नहीं और बहुत छोटे टुकड़ों में भी नहीं, कुछ मीडियम साइज़ के इस तरीके से टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। भरे क्विक ऑमलेट को बनाने के लिए मैं कट कर रही हूँ एक शिमला मिर्च को कुछ इस तरीके से। चॉपर में हम शिमला मिर्च को बीज निकाल के ही कट करके डालेंगे। इसमें कट कर रही हूँ हरी मिर्च एज यूजल, जो मेरी फेवरेट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भरे झटपट ऑमलेट को बनाने के लिए मैं 2 एग का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए मैं चॉपर में ही इसे फोड़ के डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हैंडी चॉपर है बड़े काम की चीज़। और देखिए सब कुछ हम इसी में मिक्स करेंगे। मैं लगा रही हूँ चॉपर का ढक्कन। सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाला है और देखिए मैंने किसी और बर्तन का यूज़ नहीं किया। मैं खोल रही हूँ चॉपर का ढक्कन और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा अंडा मिक्स हो गया है और सारी वेजीज इसमें चॉप हो गई हैं। तवे को मैंने कर लिया है लो फ्लेम पे गरम और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में घी का यूज़ किया है और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी तवे में चारों तरफ। तवे में घी को अच्छे से फैलाने के बाद मैं डालूँगी इसमें जो एग का बैटर तैयार किया है और मैं इसमें इस चॉपर के बाउल से अच्छी तरीके से खाली कर लूँगी। एग के बैटर को मैं इस तरीके से चारों तरफ से फैला रही हूँ रोटी की शेप में। हमने सारी वेजीज को और एग को किया है चॉपर में मिक्स, इसकी वजह से ये हो गया है बहुत ही फ्लफी। और ट्रस्ट मी गाइस, आप ये ब्रेकफास्ट में ये ऑमलेट सिर्फ ऑमलेट ही खाएंगे ना तो 2-3 घंटे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। हरी भरी ऑमलेट के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़े से चाट मसाले को स्प्रिंकल करते हुए हम इस तरीके से चारों तरफ फैलाएँगे। ब्रश की हेल्प से चाट मसाले को चारों तरफ से फैलाऊंगी। नीचे से हमारा ऑमलेट पूरी तरीके से कुक हो चुका है तो हम इसको लो हैंड से ही हल्का हल्का इस तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों कुकिंग एक कला है और खाने वाले की भूख बढ़ जाती है खाना टेस्ट के अलावा दिखने में भी अच्छा हो तो। दोस्तों खाने के लुक्स की बात आती है तो हम रखेंगे ऑमलेट की इस शेप को बरकरार और इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ज़बरदस्त ट्रिक। दोस्तों देखिए ये है वो ट्रिक। मैं रख रही हूँ तवे के ऊपर एक राउंड प्लेट को और कुछ इस तरीके से देखिए तवे को उल्टा करूंगी प्लेट के ऊपर। एक तरफ से हमारा ऑमलेट अच्छे से सीख चुका है और दूसरी तरफ से सेकने के लिए देखिए मैं इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से तवे में रख रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो और आपको लगी हो छोटी सी भूख तो ये क्विक सा झटपट तैयार होने वाला हेल्दी ऑमलेट है आपकी भूख का इलाज। हल्का हल्का दबाते हुए मैं इसको दूसरी साइड भी सेक रही हूँ। तो दोस्तों तैयार है हमारा हरा भरा झटपट तैयार होने वाला ऑमलेट और आप चाहें तो सॉस के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ, जैसा मर्जी अपने टेस्ट के हिसाब से इसको खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रेष्ठ अपना पेपर रीसॉल्व कर रहा है, उसका मैथ का पेपर। मैंने उसे बोला है दोबारा से सॉल्व करें और बच्चों को मोनिटर करना भी ज़रूरी है वो क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और लंच में मैं बनाने वाली हूँ धुली मूंग की दाल और चावल। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं मैक्सिमम एक टाइम चावल खाना पसंद करते हैं, हम तो इतना नहीं बनाते हैं फिर भी।
तो चलिए इसमें हम हरी मिर्च को कट कर लेते हैं अच्छे से मूंग की दाल में। दाल को वॉश करने के बाद मैं इसमें 2-3 हरी मिर्च कट कर रही हूँ। और दोस्तों आप तो इतना जान ही गए होंगे कि अब मैं हरी मिर्च के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है, तो मैं इसमें 3 हरी मिर्च का यूज़ करूँगी। मिर्च को दाल में कट करने के बाद मैं इसमें कच्ची हल्दी ग्रेट कर रही हूँ। दोस्तों इस कच्ची हल्दी का कलर इतना सॉलिड है ना, मेरे नेल्स में लग चुके हैं और ये निकल ही नहीं रहा बहुत टाइम से। और अब मैं देखिए कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है दोस्तों, नमक डालने से ये है मूंग की दाल और ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो मुझे इतना ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, मुझे थोड़ा सा खड़ी खड़ी दाल पसंद है। जैसा कि मैंने ऑमलेट में भी कहा, खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, तो घुटी हुई दाल दिखने में अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, तो थोड़ा सा दाल खड़ी खड़ी होनी चाहिए। अब हम दाल में लगाएंगे 1 सीटी, और 1 सीटी भी पूरी नहीं आएगी उससे पहले बंद कर देंगे। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर, 1 प्याज और थोड़ा सा अदरक लहसुन को कट कर लिया है। और मस्टर्ड ऑयल के गर्म होते ही मैं डाल रही हूँ इसमें क्यूमिन सीड। थोड़ा सा क्यूमिन सीड डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये अदरक लहसुन जो मैंने कट करके रखा है। जीरा क्रैकल हो चुका है और अदरक लहसुन को हल्का सा सॉटे करने के बाद मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को डालने के बाद मैं चलाते हुए 2 मिनट के लिए सॉटे करूँगी। और मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, मैं थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। और हींग का यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए खाने में, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद मैं इसमें कट के हुए जो टमाटर मैंने रखे थे वो मैं डाल रही हूँ। और 2 टमाटर का मैंने इसमें यूज़ किया है। कट किए हुए टोमेटोज को मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैंने अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं डालूँगी सॉल्ट। सॉल्ट को हम अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। सॉल्ट को डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कोरिएंडर पाउडर। 1 चम्मच अराउंड मैं कोरिएंडर पाउडर का यूज़ करूंगी। मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर और बहुत थोड़े से रेड चिली पाउडर का मैं यूज़ करूंगी। रेड चिली का मैं यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूं, तो ये बहुत ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूं। दाल का तड़का पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी बॉयल की हुई दाल। और ये देखिए दोस्तों, मैं स्पैचुला से आपको दिखा रही हूं, ये दाल पूरी तरीके से घुटी हुई दाल नहीं है, थोड़ा सा खड़ी खड़ी दाल है। दोस्तों हम अगर दाल को रोटी के साथ खाएंगे तो इस तरह की थिक दाल रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको चावल के साथ यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा थिन करूँगी। और इसके लिए मैं करूँगी गर्म पानी। और ये देखिए, ये है मेरी स्टाइलिश कैटल, इसमें मैं करती हूँ कुकिंग करते टाइम पानी गर्म। और इसकी अनबॉक्सिंग आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ और फिर मैं अराउंड 5 मिनट तक इसको चलाऊँगी। और ये देखिए, तैयार हो गई हमारी डिलीशियस सिंपल दाल। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं चावल को जब भी मुझे चावल बनानी हो मैं अराउंड 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रख देती हूँ, तो चावल भी मेरे भीग चुके हैं। और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन, जैसा कि मैं बताती हूँ विंटर में अजवाइन बहुत अच्छी होती है, तो चावल में इस तरीके से थोड़ी सी आप अजवाइन डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेशन में भी हमें हेल्प करती है। चावल को मैं भिगो के रख देती हूँ, लेकिन खाने से सिर्फ 5 मिनट पहले मैं बनाती हूँ, तो अभी चावल को खाने में है टाइम। तो आज है थर्सडे मॉर्निंग और मैंने कल इवनिंग से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। कल मेरा मन थोड़ा सा उदास था, जिसके चलते मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो होता है ना, जब आपका मन उदास हो तो आप कोई काम में मन नहीं लगता, इसी तरीके से कल मेरे साथ कुछ हुआ। रीज़न ये है फ्रेंड्स, मैं गई थी सुरेश की पीटीएम में मंडे को, जो उसकी पीटीएम थी स्कूल में गई थी, तो उसके मैंने जो मार्क्स चेक करे तो मार्क्स बहुत अच्छे आए, नो डाउट 50 out of 49 मार्क्स इसके मैथ में आए हैं और सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स तो बहुत अच्छे। ऐसे पेरेंट्स हम लोग अपने बच्चों को जानते हैं वो कहाँ स्टैंड करता है, तो नो डाउट पढ़ने में अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि 50 out of 49 मार्क्स इसके आ जाएं, तो वो चीज़ मुझे कुछ हजम नहीं। एक्चुअली कोविड के चलते जो इनके एग्जाम हुए थे वो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो ऑनलाइन एग्जाम में 2 टाइप के पैटर्न आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो अभी जो इनका एग्जाम हुए थे वो सब्जेक्टिव पैटर्न था, इसमें इनको आंसर शीट को PDF बना के सर को मेल करना था। तो कल मैंने जब श्रेष्ठ को पूछा कि आप वो पेपर दिखाओ जो आपने टीचर को भेजा है, और मैं इसको जब रीसॉल्व करने के लिए पेपर दिया तो वो नहीं कर पाया। तो फिर मैंने जब उससे पूछा तो पता चला कि उन्होंने तो गूगल आंसर करके चीट करके एग्ज़ाम दिया है, तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ। ये बच्चे आज समझते नहीं हैं, ये अच्छा पढ़ेंगे तो आगे अपनी लाइफ ही अच्छी जिएंगे, हम तो शायद उस टाइम होंगे भी नहीं। तो यही मैं सुरेश को समझाती हूँ, लेकिन वो चीटिंग करके इसने अपना एग्ज़ाम दिया है। बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, पेरेंट्स से ज़्यादा वेलविशर उनका कोई होता ही नहीं है, लेकिन बच्चे इस बात को समझ ही नहीं पाते।
तो बस यही हुआ। तो मेरा मन इसी के चलते, मतलब मुझे अब लगता है कि इतनी टेंशन तो शायद हमें अपने एग्जाम की भी नहीं होती होगी जितना हमें अपने बच्चों के एग्जाम की या उनके रिजल्ट की या उनके पढ़ने की होती है। मैं इसको बोलती हूँ कि कोई रिग्रेट ना रह जाए लाइफ में कि तुम काश अच्छा कर सकते थे तो नहीं किया, नहीं कर पाए, काश पढ़ लिया होता, मेहनत कर ली होती। पेरेंट्स तो बस बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चे के ऊपर होता है ना, या तो उसको बर्डन ले या उसको टारगेट ले। जो उसको टारगेट लेते हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा आगे कर पाते हैं। पेरेंट्स तब तक ही रोकते टोकते हैं जब तक बच्चे अपने करियर में सीरियस नहीं होते। बच्चे अपने करियर के लिए सीरियस हो जाते हैं तो पेरेंट्स उनका सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान कहीं भी मात नहीं खाता, भी मैं सुरेश को बार बार समझाती हूँ, तो फिर वही है, क्या करें, बच्चे नहीं समझते तो इसके चलते पेरेंट्स का मन तो दुखी हो जाता है। मैं सुरेश को हमेशा समझाती हूँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बेसिक नीड भी नहीं है। तुम लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी फैसिलिटी है और सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, उसके बाद भी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो वो तुम आगे सिर्फ तुम्हें रिग्रेट रह जाएगा। उम्मीद करूंगी ये कुछ आगे अच्छा करे, अच्छा पढ़े में ध्यान दे, अभी भी जो बचा हुआ टाइम है उसको सही टाइम पे यूटिलाइज कर ले। एज ए ह्यूमन हम लोगों का मूड स्विंग्स तो इसी तरीके से चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें।